Friends, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log into our website www.shivalearning.in. So friends, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ और ये काफ़ी बच्चों को अपसेट कर सकती है न्यूज़, और ये 10% EWS कोटा के रिगार्डिंग है. तो देरी ना करते मैं शुरू करता हूँ, और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें. तो वैसे ये एक आर्टिकल है मेरे पास, न्यूज़ आर्टिकल है, और इसमें जैसा कि इसकी हेडिंग में लिखा है, 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अनलाइकली फॉर मेडिकल कॉलेजेस दिस ईयर. इसका मतलब है कि 10% जो EWS कोटा भी हाल फिलहाल में आया है वो मेडिकल कॉलेज में इस साल से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. और वो क्यों नहीं हो सकता, मैं पूरा आर्टिकल आपको पढ़ के बताता हूँ. मेडिकल कॉलेजेस विल प्रोबेबली बी द ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री वेयर द सेंटर्स न्यू 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड दिस ईयर. तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो इंडिया के ओनली इंस्टीट्यूट्स होंगे हायर एजुकेशन के जहाँ पर सेंटर्स का 10% EWS कोटा अप्लाई नहीं होगा. यानी कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि जो 10% EWS कोटा है वो इसी साल से सारे कॉलेजेस में हायर एजुकेशन के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इम्प्लीमेंट होगा, बट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ओनली ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो इस साल से उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. और वो क्यों नहीं ले पाएंगे, इसमें आगे लिखा है, दिस इज़ बिकॉज द नंबर ऑफ सीट्स इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस कांट बी इंक्रीज बाय 25% अनलेस चेंजेस आर मेड टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट सोर्सेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेड. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड सेड दैट टू रिजर्व 10% ऑफ सीट्स फॉर द अपर कास्ट पुअर विदाउट अफेक्टिंग अदर कैंडिडेट्स द नंबर ऑफ सीट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वुड हैव टू बी इंक्रीज बाई 25%. तो इसमें आगे लिखा है कि अगर 10% रिजर्वेशन हम EWS को देते हैं और उसके बिना हम जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनकी सीट्स को अफेक्ट करते हुए, तो हमको 25% इंक्रीज करनी पड़ेंगी सीट सारे कॉलेजेस में. और अभी किसी के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो 25% सीट्स एकदम से किसी भी कॉलेज के पास वो एकदम से इंक्रीज़ कर दे. वी रोट टू द मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर सेइंग दैट एज पर द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अ न्यू कैटेगरी ऑफ EWS सीट्स नीड टू बी क्रिएटेड फ्रॉम दिस ईयर एंड हैंस द इनटेक ऑफ स्टूडेंट मस्ट बी इंक्रीज बाई 25%. अ सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल टोल्ड टू दिस न्यूज़पेपर, हाउएवर, अ 25% इंक्रीज इन सीट्स इज लाइकली ओनली फ्रॉम द 2020 एकेडमिक सेशन एज द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर स्ट्रिक्ट अबाउट द फैकल्टी टू स्टूडेंट्स रेशियो द ऑफिशियल एडिड. तो एक सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने एक न्यूज़पेपर को बोला कि 25% सीट्स इंक्रीज करने के लिए हम ओनली 2020 वाले अकेडमिक सेशन से ही वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा उसको स्टार्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया है उसके हिसाब से 25% सीट्स एकदम से इंक्रीज नहीं हो सकती है, और फैकल्टी टू स्टूडेंट का जो रेशियो होता है वो भी सही नहीं होगा इस केस में अगर उन्हें इस साल से ही अगर उसको अप्लाई कर दिया गया. तो एक तो फैकल्टी टू स्टूडेंट्स का रेशियो उसमें सही नहीं होगा, और दूसरा एक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से वो बिल्डअप नहीं कर सकते कोई भी मेडिकल कॉलेजेस. तो ये काफ़ी बैड न्यूज़ आप इसको बोल सकते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो EWS के अभी सोच रहे थे कि 2019 से हमको बेनिफिट मिलेगा, बट जो ऑफिशियल्स हैं वो 2020 से ही इसको लेने की बात कर रहे हैं मेडिकल. तो गाइस, इस न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि जो ऑफिशियल्स जो कह रहे हैं वो थोड़ा अपसेट करने वाली न्यूज़ है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी मेहनत करें ढंग से. बाकी इससे पहले भी ये नहीं आया था तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं था, आपने पूरे साल तो उसी हिसाब से तैयारी करी थी, आपने इस 10% EWS कोटा के रिगार्डिंग इसको ध्यान में रख के तो आपने पढ़ाई करी नहीं थी. क्योंकि जनरली ऐसा होता है जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो उस क्राइटेरिया को हिसाब ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते हैं कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं. तो आप पहले EWS कोटा था नहीं तो आप तो अपनी नॉर्मल तैयारी कर रहे थे, तो आप भी इसी तरह पढ़ाई करते रहें. जो भी टिप्स और टिप्स वीडियोज़ हैं मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं. और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें. और आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट करके प्लीज़ बताएं. शिवा लर्निंग के हमारे जो टीचर्स हैं उनका रिप्लाई करके आपको आंसर देंगे. मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार.